today we are in the fifth part of the series on the importance of understanding. और जो समझदारी है उसके महत्व को लेकर जो श्रृंखला जो है वो पांचवी श्रृंखला में आज हम है. And personally, और व्यक्तिगत रूप से in my prayer times, मेरी प्रार्थना के समय में this has been a real blessing to और me. ये मेरे लिए एक सच में आशीष का कारण बना है. That's why I'm sharing this with और you. इसलिए मैं ये सारी बात no matter who you are, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो. You may be a businessman, आप शायद एक कारोबारी है. You may be a corporate honko, और शायद हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट जगत में सबसे बड़े हो. This is needed for you. लेकिन इसकी जरूरत है आपको. You may be a man having a family. और आप शायद ऐसे मनुष्य हो जिसके पास परिवार है. Today I want to share with you things that have touched great people in the times past and even today. और so आज listen. मैं आपसे ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके कारण अतीत में महान लोगों को आशीष मिली और आज भी मिल रही है. इसलिए सावधानी पूर्वक सुने. Today the fifth part. I encourage you to go and check out all the four parts. और study it. आज हम पांचवें हिस्से को बताने जा रहे हैं. पिछले चार जो भाग है उसे मैं चाहूंगा कि आप जाए फिर से उसका अध्ययन करें. So today's message is titled The Lack of understanding. और आज जो संदेश है उसका जो शीर्षक है वो है समझदारी की सबसे बड़ी कमी. The lack of understanding. समझदारी की कमी. Turn with me to the book of Job, chapter 12, please. और मेरे साथ अय्यूब नबी की किताब में जाए उसके 12वें अध्याय में. It says he takes away the understanding of the chiefs of the people of the earth. और यहां पर लिखा है 12वें अध्याय में और वचन 24 में वो पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता है और उनको And what happens after that? And he says, and he makes them wander in a pathless wilderness. और उसके बाद क्या होता है? वो यहाँ पर लिखा है कि उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है. As if wandering in the wilderness was not enough, the Bible says a pathless wilderness. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जंगल का जो रास्ता है वो कम नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई है कि ऐसा रास्ता जो निर्जन स्थान है ऐसे रास्ते में. When a person lacks the compass of understanding, और जब किसी व्यक्ति में समझदारी की कमी होती है, no matter his position, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका औहदा क्या है, no matter his status, और उसका जो है औहदा या उसकी जो स्थिति क्या है, no matter his looks, और वो कैसे दिखाई देता है, a person without understanding becomes a wanderer, और समझदारी के बगैर एक व्यक्ति जो है वो पूरे जीवन भर जो है भगोड़े के समान रहता है. He begins to move around without a sense of purpose, without a sense of direction, और बिना किसी जो है दिशा के या बिना किसी समझदारी के वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है. He is busy. वो व्यस्त होता है. But there is no progress. लेकिन कोई उन्नति नहीं होती. How many of you know you can be busy and not progress? और आप में से कितने लोगों को पता है कि आप व्यस्त हो सकते हैं बावजूद इसके आप उन्नति नहीं कर रहे हैं? I want you to listen carefully. मैं चाहता हूं कि बहुत सावधानी से सुने. Deeper and deeper such a person goes into the wilderness of confusion. और ऐसा व्यक्ति जो है वो उलझन के जो है गहराई में और गहराई में वो जाता है, डूबता रहता है. Whenever you see a person who has no goals. और जब कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है. Just wandering, और वो सिर्फ घूम रहा है. Just wasting time, और वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है. You see, this is a person who has no understanding. आप देखो, ये एक व्यक्ति है जिसमें समझदारी की कमी है. Making the same mistakes, और एक ही गलती वापस दोबारा करता है. Such a person lacks understanding. ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें समझदारी की कमी है. Today lift your hand and say, Lord, I need understanding. और आज अपने हाथों को उठाकर कहें, परमेश्वर मुझे समझदारी की जरूरत है. And when you receive this understanding, और जब आप इस समझदारी को पाते हैं, I believe, मैं विश्वास करता हूं, there will be ways made for you even where there are no ways. आपके लिए ऐसी जगहों में भी रास्ता बनाया जाएगा जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आता. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you the good side. और मैं आपको एक अच्छा चिन्ह बताऊंगा. It doesn't matter what your beginnings have been. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके शुरुआती दिन कैसे थे. You may be have come out of very difficult times. और शायद हो सकता है कि बहुत ही कठिन हालात से आप उठकर आए हो. You may be saying, Pastor, I've gone through a storm in my relationships. और आप शायद कहेंगे कि पास्टर, मैं अपने रिश्तों में तूफानों का मैंने सामना किया. A person who can ask the Lord for understanding. और ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से मांग सकता है समझदारी को. This person. और ये व्यक्ति. Will be a person of direction. ये व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसके पास दिशा है. Only a person of direction can give others direction. केवल ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिशा है वो दूसरों को दिशा दिखा सकता है. अरे बोले, खुद भटका हुआ है, मुझे क्या दिशा बताएगा तू? खुद मार्ग से भटक गया है, तू मुझे मार्ग क्या बताएगा? You see,
why there is a lack of fatherhood in today's society. आज की समाज में क्यों आज पिता जो है वो गायब से है या उनकी जगह नहीं? I like what you said, Pastor. गायब से है. We talk about mothers, glory be to God. और हम माओं के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर को महिमा मिले इस बात के लिए. We are a fatherless generation. लेकिन हम एक ऐसी पीढ़ी है जो पिता रहित है. Fatherless generation. और पिता रहित पीढ़ी. Those who are supposed to be fathers have not taken up the mantle of fatherhood. और जिनको पिता बनना चाहिए था, बाप बनना चाहिए था, उन्होंने अपने पिता होने की जिम्मेदारी को नहीं ली. We talk about responsibility, we talk about rights, but we don't talk about responsibility. हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारियों की बात नहीं करते. What is the woman giving me? और एक स्त्री मुझे क्या दे रही है? She's not giving me her body. She's not doing this. She's not doing that. You're talking about rights. और वो अपना बदन मुझे नहीं देती है, मुझे वो नहीं देती, ये नहीं देती है. Don't get me wrong, guys. और मुझे आप गलत नहीं समझे. Can I preach it today? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? I said, can I preach it today? क्या मैं आज प्रचार कर सकता हूँ? A man, a woman of understanding. एक ऐसा स्त्री, एक ऐसी स्त्री और ऐसा जन जो समझदारी से भरा हो. They can lead. Homes, they can lead families, they can lead organizations. और वो जो है परिवारों को चला सकते हैं, वो जो है संस्थाओं को चला सकते हैं. You will not be a wanderer. और आप भटके हुए नहीं रहेंगे. बाजू वाले को बोल, तू भटका हुआ नहीं रहेगा. तू भटका हुआ नहीं रहेगा रे. You'll be a man of vision. और आप दर्शन के पुरुष होंगे. You'll be a man of direction and purpose. और दिशा और मकसद से भरे हुए आप पुरुष होंगे. Somebody lift your hand and say, Lord, I ask you for understanding. और अपने हाथों को उठाकर कोई कहे, परमेश्वर मैं समझदारी को मांगता हूँ. In Jesus name. प्रभु यीशु के नाम में. Can I go further right now? क्या मैं इसके आगे और जा सकता हूँ? You know, when you're pure, you get correction and you want to be pure. देखिए, जब आप शुद्ध होते हैं, आप सुधार को लेते हैं, आप और ज्यादा शुद्ध बनना चाहते हैं. But when there is a root of bitterness in you. लेकिन जब आपके अंदर जो है कड़वाहट की जहर होती है. And somebody corrects you. और जब कोई आपको सुधारने की कोशिश करता है, you get offended with the person who's correcting you. और जो व्यक्ति आपको सुधारने की कोशिश करता है, उससे आपको बहुत बुरा लगता है. You are not a man of understanding. आप उस समय समझदारी के व्यक्ति नहीं ठहरते. You're not a woman of understanding. और आप वो स्त्री नहीं ठहरती जिसमें समझदारी है. But when you are a woman of understanding, a man of understanding. लेकिन जब आप एक समझदारी की पुरुष या जो है समझदारी वाली स्त्री होती है. Such a person says, ऐसा व्यक्ति कहेगा, Let your correction be like oil on my head. और तुम्हारा सुधारा जाना जो है मेरे लिए उस तेल के समान है जो सिर पर उंडेला गया. How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Today, आज, no matter who you are, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं. Pray to God and say, God, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर, I've made many mistakes. मैंने बहुत सी गलतियां की है. But I want your understanding. लेकिन आज मैं आपकी समझदारी को चाहता हूं. Let me tell you. और मैं आपको बता दूं. God will do great things for you. परमेश्वर आपके लिए महान बातें करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Let me go further. और मैं इसे आगे जाऊंगा. The lack of understanding. और समझदारी की कमी. Point number two. और दूसरा मुद्दा. Go to Job chapter 17 and verse 4. और अय्यूब में ही हम 17 अध्याय और वचन 4. What happens when there is lack of understanding? क्या होता है जब समझदारी की कमी होती है? For you have hidden their heart from understanding. Therefore, you will not exalt them. और तूने उनके मन को समझने से रोका है, इस कारण से रोका है, तू उनको प्रबल होने ना देगा. You will not exalt them. और तू उन्हें प्रबल होने ना देगा. When a person refuses to understand or receive the gift of understanding, elevation is kept from that person. Promotion is kept from that person. How many of you listening right now? जब कोई व्यक्ति जो है समझदारी को पाने से इनकार करता है या उसका विरोध करता है, तब ऐसे व्यक्ति को ऊंचा उठने से या उन्नति करने से रोका जाएगा. You think your boss promotes you? आपको लगेगा आपका बॉस आपको प्रमोट कर रहा है. But it is already written over there. That's why your boss has to promote you. लेकिन आपके लिए पहले से लिख दिया गया है और इसलिए आपके बॉस को आपको प्रमोट करना ही होगा. You think you smart? Hello. और आपको लगेगा कि आप बहुत ही स्मार्ट हो. No, sir. No, sir. नहीं. It's already written. ये पहले से लिख दिया गया है. God has written it before the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने इसे लिख दिया है. There are positions that God has kept for you. और आपके लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे स्थान रखे हैं. Let man or woman do what they want to do. और जो भी लोग करना चाहते, चाहे वो को स्त्री हो या पुरुष है, जो उनको करना है करने दो. That is ordained for you in the name of Jesus. लेकिन वो आपके लिए रखा गया है प्रभु यीशु के नाम में.
And I've got a secret for you. और मैं आपको एक राज की बात बताऊं। There are positions also being made available to you. और कुछ ऐसे स्थान हैं जो आपके लिए उपलब्ध किए जाते हैं। Which God says. और जो परमेश्वर कहता है। Because you did this. क्योंकि तुमने ये किया। It was not there, but now it is there. वो वहाँ पर पहले नहीं था, लेकिन अब वो है। Come on, hallelujah. Hallelujah. Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? I want it now. This is the realm of understanding. अब ये समझदारी की आयाम है। You see that man? आप देख सकते हैं कि पुरुष। Who took the talent? And invested it. और जिसने तोड़े को लिया और उसने उस पर निवेश किया, he had already received his portion. उसने उसे पहले ही उसका भाग But मिल चुका the way he dealt with what लेकिन he received, जो उसे मिला था उसके साथ जिस तरह उसने काम किया, God says, actually that was not yours, it's somebody else, so now I give that also to you. परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत ही होशियार है, उसने कहा तो ये तेरा नहीं था, लेकिन मैं अब दूसरे व्यक्ति का लेता हूँ और तुझे देता हूँ. There are some people. कुछ लोग हैं who want to live in the realm of jealousy. वो जलन के स्तर पर रहना चाहते हैं. They'll smile with you. वो आपको देखकर मुस्कुराएंगे. But they will talk behind you. लेकिन आपके पीठ के पीछे बात करेंगे. I'm serious. मैं बहुत ही गंभीर हूँ. See, you see, I've come so far in the body of Christ. देखो मसीह की देह में मैं इतने दूर आया हूँ. I know how it works. मुझे मालूम है कैसे ये काम करता है. गुड़िया कैसे चलती है हमको मालूम है. और गुड़िया कैसे चलती है हमें पता है. इधर दबाएगा तो आवाज करती है. You see, there are people who live in the realm of jealousy. आप देखो ऐसे लोग हैं जो जलन के स्तर पर रहते हैं. I'm telling you. मैं आपको बताता हूँ. Why like that? क्यों ऐसा है? They are like the commentators. और वो जो commentary करने वाले लोग होते हैं, उसके समान. खुद पहले बॉल पे आउट हो गया था. और खुद वो पहले बॉल पर आउट हो गए थे. सर आप क्रिकेट अभी देख रहे हैं. हम लोग के घर में टीवी नहीं होती थी, तो मैं और मेरा भाई बहुत येड़े लोग थे. हम लोग स्कूल बैग डालते थे और दूसरे के घर में यूनिफॉर्म डाल के बैठते थे. एनीबॉडी क्रेजी लाइक मी? और क्रिकेट के लिए ऐसा कोई है पास्टर के जैसा दीवाना? गुड पीपल, हालेलुया. आई एम टेलिंग यू, आवर मदर इज टू से, यू नो, पुअर मदर, गॉड ब्लेस हर. और हमारी माँ कहती थी हर माओ के लिए धन्यवाद. ब्रेकफास्ट इन द टिफिन एंड ईट ऑन द वे टू स्कूल जस्ट बिकॉज वी हैड टू वॉच दैट ऑस्ट्रेलिया मैच. श्रीकांत हेलो. और सुबह का नाश्ता हम जो डब्बे में लेकर जाते थे सड़क पर ही हम सुबह खा लेते थे. अंशुमन गायकवाड, अंशुमन गायकवाड, श्रीकांत, जीसस प्लीज प्रे फॉर मी, आई नीड टू बी डिलीवर्ड. मेरे लिए प्रार्थना करें. So you see, this is nothing new. और आप देखते हैं कि ये कुछ भी नया नहीं है. So these fellows used to get out, and then afterwards when they got the, you know, he should have done this like that. He should have, you know, swiped the ball at the right. He should not come at the left. You uncle, when you were there on the field, when Malcolm Marshall used to come charging in, like, come on now, hello. When Joel Garner used to come, you used to shake in your pants. और Come जैसे on, कोई व्यक्ति जो है वो अगर पहली गेंद पर आउट हो जाता है तो कमेंट्री में बोलने वाला बोलता है, देखो छोटे लोग हैं अभी, उसे दाईं तरफ गेंद जो है मारनी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसा करना चाहते हो वैसा कर रहे हैं. सी सर, तुम नहीं कर पाए, अभी कमेंट्री देना बहुत आसान है. बाजू वाले को बोल कमेंट्री देना बहुत आसान है, करके दिखाना. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. यू एग्री विद मी चर्च? और कलीसिया, क्या आप मुझसे सहमत हैं? The realm of understanding is a person doesn't just talk, he gets the job done. और समझदारी का आयाम वो है जहां पर कोई व्यक्ति से बातें नहीं करता है, लेकिन वो करके दिखाता है. Come on, hallelujah. Are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हो? Now please listen to this. और इसे सुनिए. Don't live in the realm of jealousy. आपको जो है जलन के स्तर पर नहीं रहना चाहिए. Don't live in that gossip realm. और चुगली करने के उस स्थान पर नहीं रहे. This is a person who's not living in understanding. ये वो व्यक्ति है जो समझदारी के स्तर पर नहीं है. Some people they take information. और कुछ लोग जानकारी लेते हैं. Tell me, brother. मुझे बताओ भाई. क्या हो गया उधर? क्या हो गया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप, मैं प्रार्थना करने के लिए पूछ रहा हूँ. और मैं प्रार्थना करने के लिए पूछ रहा हूँ. प्रार्थना करने के लिए नहीं पूछ रहा है, बिड़ू तू यहाँ वहाँ घुमाने के लिए पूछ रहा है. You see, there are Christians like that. They meet for prayer. They pray for 5 minutes and they gossip for 1 hour. और वो जो हैं इस तरह के कुछ मसीह होते हैं जो सिर्फ जो हैं 5 मिनट प्रार्थना करेंगे लेकिन घंटे बस यहाँ वहाँ की बातें चुगली करेंगे.
such a person. ऐसा व्यक्ति. I'm telling you, that's why I don't go for many meetings. और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं बहुत से मीटिंगों में नहीं जाता. I don't go for many pastors meetings. और बहुत सारे पास्टर्स मीटिंग में नहीं जाता. Because I know what happens sometimes. मुझे मालूम है क्या होता है कुछ समय. So you see, when you enter in this realm, जब आप ऐसे स्तर में प्रवेश करते हैं, elevation, promotion, prosperity, it does not come upon you. ऊंचा उठना, पदोन्नति और उन्नति जो है वो आपके पास नहीं आती है. Therefore, और इसीलिए यू गॉड विल नॉट एग्जॉल्ट देम. और परमेश्वर जो है उनको ऊंचा नहीं उठाएगा. हेलो, प्लीज लिसन टू मी. अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ वुमन ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल नेवर पुल पीपल डाउन. हम देखते हैं कि समझदारी का जो व्यक्ति होता है वो कभी भी लोगों को नीचे नहीं खींचेगा. वो बोले भाई मेरा कंधा ले, तू भी ऊपर जा और मेरे को भी याद कर. बोले मेरे पास सीढ़ी नहीं है लेकिन कंधा है. बोले तू भी जा ऊपर और ऊपर जाते जाते मुझे भी खींच ले भाई. प्लीज लिसन टू दिस. और इसे सुने. विल यू डेवलप दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी? क्या आप इस तरह की मानसिकता का जो है विकास करेंगे? Lift your hand and say, Lord, give me understanding. अपने हाथों को उठा कर कहे, प्रभु मुझे समझदारी दे. Somebody say, give me understanding. कोई कहे, प्रभु मुझे समझदारी दे. Hallelujah. Hallelujah. Otherwise, this thing, no matter whatever you do, that elevation anointing cannot come on you. और नहीं तो आप कुछ भी करके देखिए, वो ऊंचा उठने का अभिषेक जो है वो कभी आपके ऊपर नहीं आएगा. I want to tell the teams and all the volunteers. और जितने हमारे टीम के लोग हैं, volunteers हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ. और बहुत सावधानी से सुने. Today you must cry out to God. आज आपको परमेश्वर को पुकारना है. And say, God. और कहना है, परमेश्वर. I don't want to live that ordinary life. मैं वो साधारण जीवन नहीं जीना चाहता. I want to live a higher life. और मैं एक ऊंचा जीवन जीना चाहता हूँ. One lady came to me. एक महिला हमारे पास आए. She came to the studio service. और वो स्टूडियो की सभा में आए. And she said, Pastor. और उन्होंने कहा, Pastor. My job is da da da, do do do, di di di. मेरा काम ऐसा है, वैसा है. All story, बिचारी. और बहुत सारी कहानियाँ दी. ये हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया. She sent me a text message the other day. और कुछ दिन पहले उसने मुझे एक text message भेजा. And she said. और उन्होंने कहा, I am so pleased to announce to you, Pastor. और Pastor ये बताते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है. I said, Okay. मैंने कहा, ठीक है. My Don't get jealous now. अब जलन की भावना न बताइए. Annual salary. और मेरी जो वार्षिक तनख्वाह है. Has climbed to. और वो जो है. Miraculously. चमत्कारिक ढंग से. 32 lakhs per annum. 32 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है हो चुका. See, some of you are not clapping because I know. देखो आप में से कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे, मुझे मालूम है. You are already calculating. आप पहले से ही हिसाब लगा रहे हो. महीने का कितना है? महीने का कितना होगा? See, somebody is already calculated. देखा, कुछ लोगों ने पहले ही हिसाब लगा दिया. A person who is struggling. I'm not talking she's somebody. A person is struggling. और ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है. Suddenly God blesses them. और अचानक से परमेश्वर उन्हें आशीष देता है. In problems. और समस्याओं में. God can do it for you. परमेश्वर आपके लिए कर सकता है. Now if your salary is above that, may God take you higher. अब आपका वेतन अगर उससे ज्यादा है, परमेश्वर उससे भी ज्यादा आपको लेकर जाएगा. Somebody say, I receive. कोई कहे, मैं इसे प्राप्त करता हूं. Let's not stop there. और वहीं पर रुके नहीं. Hello, can I have a good amen? और क्या मैं इसके लिए अच्छा आमीन कह सुन सकता हूं? How this thing happens? और कैसे ये सारी बातें? There is an anointing, sir. और अभिषेक होता है. There is an anointing of elevation. और ऊंचा उठने का अभिषेक होता है. कितने लोग सुन रहे हैं? Lift your hands and say, Lord. और अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु give me this understanding of God. मुझे ये समझदारी दे. So that I may rise in positions you have kept for me. ताकि मैं उस ओहदे तक बढूं जो आपने मेरे लिए रखा है. If you are praying like you are doing God a favor, may this go to the next person. But if you are praying with your heart, may it come upon you in Jesus name. Somebody. और अगर आप इस तरह से प्रार्थना कर रहे हो जैसे आप ये प्रार्थना करके मेहरबानी कर रहे हो तो ये आशीष आपके बगल में बैठे व्यक्ति के पास जाए. लेकिन अगर आप सच में प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर उतर कर आए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Let your Amen be louder than your neighbor's amen. Amen. आपके पड़ोसी से भी ऊंचा रहे. Hallelujah. Hallelujah. So you see a lack of understanding. So आप देखते हैं समझदारी की कमी. Stops exaltation. वो ऊंचा उठने से जो है रोकता है. A lack of understanding is a person without direction. और समझदारी की कमी से एक व्यक्ति बिना दिशा के हो जाता है. Now. I want to share one secret with you. अब मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ. Of course, it's from the Word of God. और निश्चित रूप से ये परमेश्वर के वचन से. As I was meditating upon this word. और जैसे मैं इस वचन पर मनन कर रहा था. I thought to share this with you. और मुझे लगा कि मैं ये बात आपके साथ बांटूं. Go with me to the book of Job. This is so powerful. और मेरे साथ अय्यूब की किताब में जाइए. इतना सामर्थ्यशाली है. Say, may God speak to me.
और कहो परमेश्वर मुझसे बात करे. गो टू जॉब 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 अय्यूब अय्यूब लेट्स गो टू जॉब 26 और आइए नबी अय्यूब की किताब में जाए 26 और उसका वचन 12. सर लिसन टू दिस मैडम लिसन टू दिस और इसे आप सुन सकते हैं. ही दैट इज गॉड स्टर्स अप द सी विद हिज पावर और वो यानी परमेश्वर अपने बल से समुद्र को शांत करता है. ही स्टर्स अप द सी विद हिज पावर और वो अपने बल से समुद्र को शांत करता है. एंड दैट्स द फर्स्ट पार्ट और ये पहला भाग है. एंड बाय हिज अंडरस्टैंडिंग ही ब्रेक्स अप द स्टॉर्म और अपने बुद्धि से वो रहब को जो है. नो जस्ट लेट्स नॉट गो देयर storm this NKJV says storm और, so that's another time I will talk about aur iske bare mein hum baad mein baat karenge. He breaks up the storm. Everyone say he breaks up the storm aur koi kahe ki wo tufan ko rokta hai. Hello are you with me so far? Kya aap hamare sath hai? Please understand this aur is baat ko samjhe. Mark 4:37 says Jesus was caught in a furious storm aur Marcus Raji Susamachar 4th adhyay 37th vachan mein likha hai ki Yeshu Masi ek bahut hi bhayanak aandhi tufan mein wo the and the waves were beating into the boat so that it was already becoming filled aur pani ka jo tarang hai wo pehle hi nav mein jo hai nav tak uchal raha tha. And we know the story that Jesus gets up and speaks one word and says shalom and gone, everything is gone. और हम जानते हैं कहानी को यीशु मसीह खड़ा होता है और वो सिर्फ एक शब्द बोलता है शलोम और सब कुछ थम जाता है. And Job says, और अय्यूब कहता है, he breaks up the storm with his understanding. वो अपनी समझ से समुद्र को शांत करता है, तूफान को शांत करता है. You see that Jesus knew what to speak in the storm. और यीशु को पता था कि उस आंधी तूफान के बीच क्या बोलना चाहिए. Jesus knew how to behave in the storm. और यीशु को पता था कि उस आंधी तूफान में कैसे बर्ताव करना. Some of you are not getting it. Let me go. Today I feel the anointing this side. और मुझे आज अभिषेक इस जगह महसूस हो रहा है. Seriously. और गंभीरता से मैं कह सकता हूँ. Praise God. No, see, listen. प्रभु की स्तुति हो. You're someone. Okay, talk to me. Listen to this. सुने इसे. Jesus knew what to speak in the storm. यीशु को पता था कि उस आंधी तूफान के बीच क्या बोलना है. If we were Jesus, येरे लोग तुम लोग पहला जगाने का ना मेरे को. इतना लेट जगा रहा है तुम लोग. अगर हम यीशु होते तो हम क्या कहते. नो यू आर अ गुड जीसस देन. ओके तो आप अच्छे यीशु है. इफ यू आर देयर ओ माय गॉड फादर प्लीज प्लीज अगर हम उसकी जगह पर होते कहते पिता कृपया करके. फादर दिस रैस्कल्स डिडंट टेल मी नाउ आई एम इन अ मैस फादर प्लीज. और पिता आप मेरी मदद करें इन्होंने मुझे बताया नहीं था. Are you there? क्या आप मेरे साथ हो? But Jesus gets up. Please listen. लेकिन यीशु उठता है. You write it down. आप इसे लिख सकते. Your character is seen in the storm. आपका चरित्र जो है वो आंधी और तूफान के मध्य में दिखाई देता है. You know how bosses see people? आपको मालूम है जो बॉस होते हैं वो लोगों को कैसे देखते हैं. They see. वो देखते हैं. When there's a fire. जब आग होती है. किसका सर उसके कंधे पे है. नहीं, no, it is. It's not like your boss, my MBA. No, your MBA doesn't work in the storm. How you operate in the storm, that will help the company. और आंधी और तूफान के बीच आपकी पढ़ाई जो है वो काम नहीं आती, लेकिन आप किस तरह बर्ताव करते हैं. MBA को मार गोली रहे. MBA. मेरे पास भी A B C D E F G A सब कितना लोग हैं. I'm an MBA man. Don't worry. Your pastor is not somebody who came from somewhere. No. Listen. सुने. Please listen. और मेहरबानी करके सुने. God bless MBAs. और परमेश्वर जिनके पास MBA की डिग्री उन्हें आशीष दी. Now please listen. अब सुने. How you work in a storm? और आंधी के बीच आप कैसे काम करते हो? And there are people. और कुछ ऐसे लोग हैं. बोल से बॉस. जो कहेंगे बॉस. This is a problem. ये समस्या है. पूरा आग लग गया. और सब जगह आग लग गई. धुआं आ गया. धुआं आ गया. फट गया. No, listen. सुनो. But don't worry. चिंता मत करो. I have done it. मैंने काम कर दिया. अच्छा. You see that? Come on, you see that now? और आपने देखा? You come to your boss with the problem. अगर आपने बॉस के पास समस्या लेकर आओगे. बॉस घोड़ा भाग गया. अरे तू भाग उसके पीछे फिर गधा. You come to your boss with the problem and with the. आप अपने बॉस के पास समस्या के साथ आते हो लेकिन उसका समाधान भी लेकर आ. The boss will say, "Please see me after this." और
बॉस कहेगा इसके बाद मुझे मिलना बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट अनदर फर्म इन यूरोप एंड अमेरिका क्योंकि मैं यूरोप और अमेरिका में एक और फर्म चालू करने जा रहा हूं आई नीड पीपल हु कैन हैंडल द मेस और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो जो है समस्या को संभाल सकते हैं आई डोंट नीड पीपल टू क्रिएट द मेस मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता हूं जो समस्या खड़ी कर सकते हैं आई नीड द पीपल हु कैन सॉल्व द मेस मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो समस्याओं को सुलझा सकते हैं माय डियर सिस्टर मेरे आदरणीय बहन डोंट वरी चिंता मत करो यू आर गोइंग टू राइज आप जो उठेंगे Jesus write this down you will pay, if you don't write this down one day you will pay money for this dekhiye agar aap ise likhenge nahi to ek din aapko iske liye paisa bharna padega are ye to pehla suna tha idhar 5000 rupaye dena pada mereko I'm telling you you have to know this aapko ye baat malum honi chahiye you have to know this aapko malum honi chahiye what is a specialist aur ek jo specialist hota hai visheshagya hota hai sir patient is sinking aur visheshyogya jo visheshagya hota hai The specialist comes. वो कहता है मरीज जो है वो खतरे में. Doctor, don't worry. Change this. Put this. Put some little gas here. Put this in. और विशेषज्ञ आता है वो कहता है मरीज को जो है इस तरह से बात करता है. ये दो वो दो और जो विशेषज्ञ होता है वो इसी तरह बात करते हैं. He comes. He looks for 10-15 minutes. वो आता है 10-15 मिनट देखता है. And he's gone to another hospital. और वो दूसरे अस्पताल चला जाता है. Come on. Yes. And he takes more salary than all the fellows over there. और जितने लोग वहाँ पर मिलकर काम करते हैं उनसे ज़्यादा तनख्वाह वो ले जाता है. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? बोले अच्छा ये आता है खाली ऐसा उंगली बताता है जाता है और इधर में सब पत्थर मट्टी सब मैं उठाता है. My friend, मेरे दोस्तों, you need understanding. आपको समझदारी की ज़रूरत है. Break the storm. जो तूफान को रोक सकता है इन योर सोसाइटी आपके समाज में इन योर फैमिली आपके परिवार में इन योर बिजनेस आपके कारोबार में इन एनी एरिया और कोई भी क्षेत्र वंस दे नो यू आर अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव अ न्यू नेम इन द स्पिरिट कॉल्ड द स्टॉर्म ब्रेकर हालेलुया उनको मालूम पड़ जाता है कि आप समझदारी के पुरुष हो तो आपको आत्मिक जगत में एक नया नाम मिलेगा तूफान को जो है रोकने वाला स्टॉर्म ब्रेकर और तूफान को जो है रोकने वाला सुपर हीरो स्टॉर्म ब्रेकर सुपर हीरो नाउ प्लीज डोंट डिजाइन द पैंट्स एंड ऑल ओके जस्ट से इट एवरीवन द स्टॉर्म ब्रेकर अब जाकर जो है आप कपड़े डिजाइन मत करना हैव यू सीन व्हेन देयर इज अ फाइट क्या आपने देखा जब झगड़ा होता है इन द फैमिली परिवार में कॉल टीटू अंकल हां टीटू अंकल को बुलाओ टीटू अंकल Yeah, because he's a man of understanding. कौन टीटू अंकल अरे हाँ वही तो समझदार कौन रोजी आंटी रोजी आंटी को बुलाओ रोजी आंटी कौन है रोजी आंटी Yeah, she, we all are fighting like cats and dogs. और हम तो कुत्ते बिल्लियों जैसा लड़ रहे हैं वो आएंगे and she'll speak something. वो आएंगे और कुछ तो बोलेंगी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व और समस्या सुलझ जाएगी There are some people in the society. और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं in the families. परिवार में in the business world. और कारोबार के जगत में भी that are known as the storm breakers. और उन्हें जाना जाता है तूफान को रोकने वाले के रूप में I said, come on. Hallelujah. They may be referred to as economists. They must be referred to as advisors. They may be referred to as anybody. Even the Sheikh of Dubai needs storm breakers. Hallelujah. और हम देखते हैं कि उन्हें अर्थशास्त्री कहा जाता है, उन्हें ज्ञानी कहा जाता है, विशेषज्ञ कहा जाता है. Lift your hands. लेकिन वो विशेषज्ञ होते हैं. अपने हाथों को उठाए पिता यीशु के नाम में. मैं तुझसे समझदारी को मांगता हूँ. That I speak. और ताकि मैं बोलूँ. The storm will be broken. और वो तूफान जो है वो टूट जाए. Somebody raise your hand. Begin to pray. और कोई अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना जारी रखे. Give me this understanding. मुझे ये समझदारी दे. How to behave in the storm? और कैसे सब उस तूफान के बीच का बर्ताव करना? How to talk in the storm? कैसे उस तूफान में बात करना? What to do in the storm? और आप कैसे काम करना है? In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में. तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकलेगा. और आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा. जो 20 साल की दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा. Hallelujah. ओ, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने. आजकल देखा है पब्लिक कुछ भी बोलती है. और हम लोग सोचते हैं अरे ये इतना बड़ा आदमी ऐसा कैसा बोलता है नो अंडरस्टैंडिंग और हम देखते हैं कि कोई समझदारी की बात नहीं होती नो अंडरस्टैंडिंग और कोई समझदारी व्हाट वी नीड टुडे इज आज हमें जो चाहिए वो जो है मेन एंड वीमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ऐसे स्त्री पुरुष जो समझदारी को जो है रखते हैं सर मैडम लिसन टू मी और सर मैडम मेरी सुने इन दिस टाइम ऑफ इकोनॉमिक
और आर्थिक जो जो समस्या है उसकी Joseph was a man of understanding. हम देखते हैं यूसुफ भी जो है समझदारी का पुरुष था. He came to the Pharaoh. और वो फिरौन के पास आता And he did not talk nonsense. और उसने फिरौन के पास जाकर मूर्खता की बात He did not flatter the Pharaoh. और उसने फिरौन को जो है उसकी बड़ाई नहीं मारता गया. He just said, Sir, उसने कहा महाशय this is the problem. ये समस्या है. And this is a solution. और उसका ये समाधान है. हाँ? 7 years of famine. 7 साल अकाल के. Solved it in 7 minutes. और 7 मिनट में इसने सुलझा भी दिया. Come on now. Hey, look in the Bible. Look in the Bible. Bible को देखो, Bible को देखो. Sir, this is going to happen. You see, today's और Bible. ऐसा होने वाला है. Boom. Famine is coming. अकाल आ रहा है. Famine is coming. अकाल आ रहा है. Tell me how to get over it. मुझे बताओ अकाल से बाहर कैसे निकलेंगे. That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है. You see, the true prophetic. आप देखो सच में जो भविष्यवाणी will tell you the problem. जो होती है वो आपको समस्या बताएगी. And will tell you the solution. और समस्या का समाधान भी बताएगी. Today church. आज कलीसिया. The solution is this. आपका जो समाधान है वो ये है. Every day. हर दिन. Today if you raise your hand to God. अगर आज आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं. I need this. This pastor is talking. Something is happening inside of me. और आप कहेंगे कि पास्टर जो बोल रहे हैं उससे मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है. Something is happening. कुछ तो मेरे अंदर हो रहा है. कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ हो रहा है. How many of you are feeling stirring inside? और कितने लोगों के अंदर कुछ हो रहा है? देखो. Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ? In the next 21 days. और आने वाले 21 दिन. You will not be on the same position, but you will be on a higher position. और आप उसी स्थान पर नहीं रहोगे, लेकिन आप ऊंचा उठोगे. Somebody raise your hand. By virtue of the understanding of God. और समझदारी परमेश्वर की समझदारी के गुण से. No matter in which pit you are. और चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो. No matter in which problem you are. कौन सी समस्या You will rise. Begin to give him praise for the next 10 seconds. One, hallelujah. Three, come on. Begin to praise him. But there is a problem. लेकिन समस्या है. Yeah. Understanding. समझदारी. How many of you listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Are you getting this? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Yes. Sir, सच बोल रहा हूं. खुदा तुमसे ड्रीम्स और विजन्स में बात करेगा. Yes, yes. और पानी पे पैर रखने के लिए डरो मत फिर. बोले प्रभु चलूंगा नहीं तेरे साथ, दौड़ूंगा मैं. Sir, receive. और इसे ग्रहण करें. यहाँ पर आप सिर्फ मेरे भाषण सुनने नहीं आए. This is what God wants to deposit in your spirit. देखिए ये वो बात है जो परमेश्वर आपकी आत्मा में जमा करना चाहता है. Stop relying on your own understanding. अपने खुद की समझ का सहारा लेना बंद करें. Stop relying on Maggie auntie. और Maggie auntie पर भरोसा करना बंद करें. Who? कौन? Maggie auntie. Maggie auntie. बाबा. No, Maggie auntie's wisdom. अब Maggie auntie जो है वो बुद्धि. It is not based on the word. और वो जो है वचन के ऊपर आधारित नहीं है. उसके ऊपर आधारित है. वो उसके ऊपर आधारित. सुबह बिरयानी खाई उस पर वो बोल रही है बिचारे. Don't listen to Maggie. If your aunt, your name is Maggie, God bless you. और अगर आपका नाम Maggie है तो परमेश्वर आपको आशीष दे. No, it's not going to be Maggie auntie. It's not going to be your friends. और वो आपके दोस्त नहीं होंगे. It's not going to be any YouTuber. और वो कोई YouTuber नहीं होगा. It's going to be the Lord. और वो प्रभु ही है. He will give you when you read the word. जब आप वचन को पढ़ेंगे. When you read the word. जब आप वचन को पढ़ेंगे. बोले यार देखा ही नहीं मैंने पहला. बोले अभी जो देख रहा उसको. You get so excited. और आप बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे. Don't put it on Facebook. Facebook पर मत डालो. आजकल पब्लिक एक्साइट होती है तो Facebook पर पहले डालती है. और खुद भूखा रह जाती है. दुनिया लेके घूमता उसको. सुबह उठ के पानी पीना चाहिए. सुबह उठ के कसरत करना. तू करता क्या रे? दुनिया को सिखाता है. खाली पेट पे ये पीना चाहिए, खाना चाहिए, वो खा. You see, some people का एडवाइस बहुत रहता है. नहीं करता है.
भागना चाहिए, उठना चाहिए, खुद नहीं करेगा, सो रहे 8 बजे तक. डोंट लाफ. सो व्हेन यू रिसीव दैट वर्ड, और जब आप वचन को पाते हैं, डोंट पुट इट ऑन फेसबुक, फेसबुक पर मत डालो. Jesus, your papa has given for you. यीशु ने आपको दिया, आपके पिता ने आपको दिया. For his, yours, you. और आपके इस्तेमाल के लिए दिया है. Do you know what I God speaks to me? I never share it with you. आपको मालूम है जब परमेश्वर मुझे कुछ देता है तो मैं उसे सबको बताने Sorry. नहीं फिरता. What pastor? No, it's for me. हाँ, ये मेरे लिए है. Why should I share it for you? और मैं क्यों आपके लिए बांटूं? This is maybe 6 months back. ये शायद हो सकता है 6 महीने पहले की बात. Yes. हाँ. You please understand this. So when you get into that, so जब आप उसमें जाते हैं, your relationships, आपका रिश्ता, your finance, आपका पैसा, your time, आपका समय, your fitness, और आपका जो तंदुरुस्ती, you require understanding. इन सारी बातों के लिए आपको समझदारी की जरूरत है. How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Can I prophesy one thing? क्या मैं एक बात की भविष्यवाणी कर सकता हूँ? You are going higher in the realm of the anointing. और आप अभिषेक के स्तर पर आगे बढ़ रहे हो. I don't have to tell you. इसे ग्रहण करो. The Holy Spirit is witnessing to you that you are going higher. और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा खुद आपको इस बात की गवाही दे रहा है कि आप अभिषेक में आगे बढ़ रहे हो. Your marriage is changing. और आपका शादीशुदा जीवन बदल रहा है. In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में. Today one couple sent me a message, pastor. और एक जोड़े ने मुझे हमें संदेश भेजा, pastor. They not come today. They are in the hospital. और वो आज आए नहीं, वो अस्पताल में है. Pastor. Pastor. It's a boy. और ये लड़का है. You prophesied. आपने भविष्यवाणी की थी. It's a boy. और लड़का हुआ. Before going into the operation theater, I told him it's a boy. और ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले पास्टर ने बता दिया था लड़का होगा. Wait. रुको. Pastor, it's a boy. Hallelujah. Will you name it? No. पास्टर, ये लड़का हुआ, आप उसका नाम रखेंगे क्या? नहीं, आप रखेंगे नाम. How many understanding this? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? When that understanding comes in you. और जब वो समझदारी आपके अंदर आती है. People will seek you, man. लोग आपको ढूंढेंगे, लोगों. Mate, I sincerely wish this for you. और मैं सच में ये कामना करता हूँ आपके लिए. Say the understanding of God. और कहो परमेश्वर की समझदारी. Breaks the storm. तूफान को रोकती है. Is this good church? कलीसिया क्या ये? Say everyone what to speak. और सभी लोग कहे क्या Come बोलना on, है? Come on, talk to me church. मुझसे बात करो कलीसिया. Today the church is here. Hallelujah. और कलीसिया आज यहाँ है. Yeah. Say everyone what to speak. और सभी लोग कहे क्या How बोलना to behave? है? कैसे बर्ताव करना? What to do? क्या करना है? Whom to meet? किससे मिलना है? Understanding of God. परमेश्वर की समझदारी. बहुत important है. Is this blessing your church? और आज हम समाप्त करेंगे. Let's go further and we close. और आइए आगे जाएंगे और फिर समाप्ति करेंगे. Let's close. Now I want to give you something that's very powerful. और मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ, बहुत ही सामर्थ्यशाली है. And this understanding. और ये जो समझदारी है. Is not a feeling. और ये कोई भावना नहीं है. No. It's an anointing. ये अभिषेक है. Pastor, you're talking about understanding. You're talking about understanding. What is this understanding? पास्टर, आप जो है समझदारी की बात कर रहे हैं, आखिर में ये समझदारी है क्या? दिस अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी, इज एन अनॉइंटिंग, वो एक अभिषेक है. कैन आई शो इट टू यू? क्या मैं आपको बताऊं? नाउ दिस इज फॉर द दोज़ हु वांट टू, कैन आई गो डीपर लिटिल नाउ? और ये उन लोगों के लिए, क्या मैं गहरे स्तर पर जाऊं? यू नो देयर आर सम पीपल हु नो हु नेवर ब्रिंग देयर बाइबल्स. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी बाइबल साथ में नहीं लाते. किधर जा रहे हैं? यहाँ कहाँ जा रहे हैं? माइकल चे माइकल तेरा क्या You know, in front of me, the pastor, man of God. Isn't it? Michael sir, bandra mein the. Aur mere samne pastor, Parmeshwar ka jan. Michael sir. Aur mere piche Michael. Mika, tu sa watchman hai ka? Michael sir, bandra mein the. Don't talk like that. इस तरह से बात नहीं करें. You can talk to my children. I don't refer to you as na. To wo to patla. I don't talk like that. I refer to you by name. You ask them, who's that person? और आप बच्चे से भी बात कर सकते हैं. कभी हम उनको ये नहीं बोलते कि वो ये वो, नहीं, हम उनका नाम लेते. When we refer to any man of God, we take the names. और जब हम किसी भी परमेश्वर के जन का नाम. I don't call Sanjay, call Sandeep. Sandeep is known, he's Pastor Sandeep. Yes. When I write also, I will write Pastor Sandeep. Thank you, Pastor. Who's Sandeep? No, he's Pastor Sandeep. When I refer to you guys. और जब मैं आपका संदर्भ देता हूं, I'll say Juliet, I'll say Seema, but if I'm writing, I'll say Pastor Seema, Pastor Juliet. और जब हम लिखते हैं तो हम पास्टर, ये जो है जो पास्टर, उनके लिए हम पास्टर का शीर्षक देते हैं. Don't come with the word, without the word of God. Just come. और बिना परमेश्वर के वचन के साथ नहीं आए ऐसे ही मुंह उठाकर. No, seriously, the church has become a joke today.
आज कलीसिया जो है वो हंसी का पात्र बन गया। Don't come without the word of God. और परमेश्वर के वचन के बगैर कभी कलीसिया मत जाओ। I remember many years ago, Pastor Chris Oyakhilome में, you know, he took look at his volunteers and say, you are a hindrance to the body of Christ. और मुझे पता है कई साल पहले पास्टर क्रिस जो है उन्होंने अपनी सभा में अपने वॉलंटियर से कहा जो बाइबल लेकर नहीं आया था कि तुम मसीह के शरीर के लिए सबसे बड़ी रुकावट हो। He told his friend, please move him out. You see, church, if you are not having the word of God, you're wasting your time. अगर आप परमेश्वर के वचन के बगैर आते हो तो आप अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। Get into the word of God. परमेश्वर के वचन में जाओ। You know, हमारी मीटिंग के बाद कोई कोई सभा होती है यहाँ पर, वो लोग है ना पैसा देकर यहाँ आते हैं। कितने लोग जानते हैं? हाँ, और क्या सिखाते हैं? हम लोग वही सिखा रहे हैं आपको, उससे अच्छा सिखा रहे हैं। Join my course, it's only 10,000 rupees. और हमारे प्रशिक्षण में आओ, सिर्फ 10,000 रुपए लगेंगे। Go to Isaiah 11:2. Today make it a point. Say, I want to grow in the word of God. 11वें अध्याय वचन 2 में हम जाएंगे। Isaiah 11:2. यशया उसका 11 अध्याय वचन। कोई हमारे टीम से पूछ रहा था, पास्टर माइकल हाथ रखते हैं? हाथ नहीं, पूरा बैठ जाते हैं भाई। हाथ क्या रखते हैं? उठा के लेके चलो घर पे। हाथ रखते हैं क्या? इस यहां पर हाथ नहीं रखते, हम यीशु मसीह हाथ रखते हैं और खुदा आपकी पूरी जिंदगी को तो बदलते हैं। वचन में बढ़िए, Isaiah 11 verse 2. और यशया नबी उसके 11वें अध्याय वचन 2 में, The spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the spirit of the fear of the Lord. 7 spirits. यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, write this down. युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर आ ठहरेगा। यहाँ पर 7 प्रकार की आत्माएं हैं जिसका जिक्र हुआ है। Isaiah 11:2 speaks about the Messiah. यहाँ पर यशया नबी की किताब 11वें अध्याय वचन 2 में जो है मसीहा का जो है उसके बारे में जो है बात करती है। And he reveals what kind of anointing rested on Jesus. और यहाँ पर जो है प्रकट किया गया है कि यीशु मसीह पर किस प्रकार का अभिषेक जो मौजूद था। Why did Jesus function in that kind of anointing? अब क्यों यीशु मसीह इस प्रकार के अभिषेक में वो काम करता था? One day the people came to Jesus. और एक दिन लोग यीशु के पास आए। They brought out a coin. और वो अपने सिक्के को लेकर आए। And they said to Jesus. और उन्होंने यीशु से पूछा, Jesus, यीशु, should we pay taxes? क्या हमें चुंगी देना चाहिए? Now they were very smart. अब वो बहुत ही चालाक थे। If Jesus would say yes, अगर यीशु हाँ बोलता, he would be gone. तो फिर उसका काम तमाम हो जाता। Because they would say, see, this fellow is hiding with the Romans. और क्योंकि वो कहते कि देखो यीशु जो है वो तो रोमी लोगों का साथ देता है। That is why he's willing to. और इसलिए वो कह रहा है रोम के लोगों को चुंगी दो। Now if you would say, don't pay taxes, अगर आप कहोगे कि चुंगी मत दो, they would go and tell the people. तो वो जाकर लोगों को बोलेंगे, see, he's telling us not to pay taxes. देखो ये हमें सिखा रहा है कि चुंगी नहीं देना चाहिए। What do you do in such a situation? ऐसे हालात में आप आखिर में क्या करोगे? If you say yes, also you're gone. अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी आप जाओगे। He said, no, also you're gone. और अगर आप ना भी बोलोगे तो भी आप जाओगे। What got Jesus out of that situation? अब देखो यीशु मसीह ने कैसे उस परिस्थिति को संभाला? Is the spirit of understanding. वो था बुद्धि की आत्मा से। Oh, lift your hands and receive somebody. अपने हाथों को उठाकर और कोई ग्रहण करे इस बात को। This is an anointing. ये अभिषेक है। The 7 spirits. वो जो 7 आत्मा है। Pastor, are you telling me that there is not one Holy Spirit, there is 7 spirits? Pastor, क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पवित्र आत्मा नहीं है, 7 पवित्र आत्मा? No. नहीं नहीं नहीं। You see a prism. आप देखो एक prism जो होता है। Prism. How many of you know prism? कितने लोगों को मालूम है जो परावर्तित होता है? School. School में एक। Those of you bunk school, praise God. Okay. और जो school जिन्होंने bunk किया है, प्रभु की स्तुति। Prism. So when you pass a light through that. आप देखो एक कांचनुमा एक चीज होती है प्रिज्म जिसको बोलते हैं जिसमें से 7 तरह की जो है डाल सकते हैं रोशनी निकलती है। प्रिज्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रिज्म कौन यार, ये लड़की का नाम था प्रिज्म होगा। परावर्तन करता है। They only remember that. So when you pass light through the prism, और जब prism से जो है रोशनी गुजरती है, it goes into 7 colors. और वो 7 रंगों में जो है वो तब्दील होती है। But when we see the light, जब आप प्रकाश को देखते हैं, we don't see 7 colors. हम 7 रंग नहीं देखते। We only see white light. हम केवल एक सफेद रोशनी देखते हैं। Come on, help me right now. But that prism splits
it shows what light is made up of. लेकिन हम देखते हैं कि प्रिज्म जो है दिखाता है कि जो प्रकाश है वो किस किस से बना हुआ है. See this. आप देखो. Light painters over here. This is living in my science class now. ऐसा लगता है कि अभी साइंस का जो है क्लास लगा हुआ है. And see seven colors. आप देख सकते हैं कि सात जो है सप्तरंगी जो है. But what our eye sees is this. लेकिन हमारी आंखें क्या देखती हैं वो ये है. When we saw Jesus. जब हम यीशु को देखते हैं. We beheld the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं. But when Isaiah saw prophetically. लेकिन जब यशायाह ने देखा उसने भविष्यवाणी के रूप में देखा. This is what he saw. और ये वो चीज है जो उसने देखा. The spirit of wisdom, the spirit of counsel, the spirit of understanding, the spirit of, come on, seven spirits. और फिर उसने बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और सात जो है आत्माएं उसने देखी. That's why Paul the, come on, is this good church? और इसीलिए पौलुस, क्या ये अच्छी बात है? That's what Paul the apostle says. और पौलुस जो प्रेरित है वो कहता है. He says in him. और वो कहता है उसी में. Dwell the fullness of God. परमेश्वर की परिपूर्णता जो है निवास करती है. The fullness of God. और परिपूर्णता परमेश्वर की. What is this? और ये क्या है? This is the fullness of God. और ये परमेश्वर की परिपूर्णता है. I said hallelujah. मैंने कहा hallelujah. Now that was not it. अब इतना ही नहीं है. In a book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक. Now see, I took it slowly and I'm bringing it deeper. अब देखो मैंने धीरे से इसे लिया और गहराई में मैं आपको ले जा रहा हूँ. Come on, hello, are you with me? We're closing. We're closing. Go to the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएं. Revelation 4 and verse 5. और प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय. Now Apostle John. अब यहाँ पर प्रेरित यहूना. He was taken up. अब वो स्वर्ग में उठा लिया गया. You know, very soon I'll be doing a teaching on portals. और जो प्रवेश द्वार होते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी हम जो है एक शिक्षा जो है लेने वाले. Your house can be a portal. और आपका घर प्रवेश द्वार बन सकता है. I told you today the church. मैंने आपको बताया आज कलीसिया उस तरफ है. You, I have to walk today, but the church is here today. मुझे आज यहाँ तक चल के आना पड़ा लेकिन कलीसिया है यहाँ पर. Pastor, why I have to come to church? Because the church can be a portal. Pastor, मुझे चर्च क्यों आना चाहिए? क्योंकि कलीसिया भी प्रवेश द्वार बन सकता है. कोई कोई जगह प्रवेश द्वार होते हैं. You don't understand? आप समझ नहीं रहे. Tell your neighbor, come for the teaching, you'll understand. अपने पड़ोसी को बोलो शिक्षा के लिए आओ तुमको समझ में आएगा. Out of the throne, now watch this. Now John is taken far. He's taken up in the heaven. Now he's in the realm of the spirit. अब यहूना को जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाया गया. वो आत्मा में है. And now he sees. अब वो देखता है. He says, out from the throne came flashes of lightning. और वो कहता है कि उस सिंहासन से जो है वो प्रकाश या फिर रोशनी आई. Somebody should render this in Midjourney. Anybody knows what I'm talking about? Do it. Actually, let me see what it, send it to me. Josh. Render it and share it to me. And sounds of thunder. और हम देखते हैं कि वहां पर गर्जन की जो है आवाज. And there were seven lamps of fire. और वहां पर जो है सात आत्माएं थी. Now सात दीपक जल रहे थे. Seven lamps of fire burning before the throne. और सिंहासन के सामने आग के सात दीपक जल रहे हैं. Seven lamps. और सात दीपक burning. जल रहे. Now these are not like small you know. अब ये छोटे छोटे दिए नहीं. My God, they must be like fire. और वो जो है आग के समान होंगे. Come on. The book of Hebrews says, our God, Hebrews 12:28 says, our God is a consuming, bhasma karne wali aag. Aur Ibraniyon 12:28 kehti hai ki hamara Parmeshwar bhasma karne wali aag hai. Fire burning before the throne. Aur wahan siyasan ke aage saat deepak jal rahe the. Which were? Aur jo? The seven spirits of God. Parmeshwar ki saat आत्माएं हैं. Same Holy Spirit. वही एक पवित्र आत्मा. One Holy Spirit. एक पवित्र आत्मा. But seven manifestations. लेकिन उसके साथ जो है प्रतिरूप हम देखते हैं. Many years back. बहुत साल पहले. I want to close with get ready, close about this. और इसे आप ध्यान से सुने. Don't make noise. और आवाज नहीं करें. Many years back. बहुत साल पहले. I was in a fasting and prayer. मैं उपवास और प्रार्थना में था. And I attended this small fasting and prayer over there. और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी वहाँ पर उपवास प्रार्थना की. Like this small. And suddenly, I just flew out of the room. Like, I was just taken up fast like that. और छोटी सी प्रार्थना सभा थी, उपवास और प्रार्थना. और अचानक से मैं जो हूँ देखा, मैंने अनुभव किया कि मैं उठा लिया गया. I had the privilege. और मेरा एक सौभाग्य रहा. To see a glimpse of this place. कि मैं इस जगह की परछाई को देख सकूं. Wait, don't clap. Wait, let the glory go. अब ताली नहीं बजा. Please don't clap. रुको, इंतजार करें. I want to show you. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. That these things are real. ये बातें सच में होती है. I'm not talking to you out of
some theory. I have experienced such things. अब देखो मैं आपको कोई थ्योरी वाली बात नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची ऐसी बात है जिसका अनुभव मैंने खुद किया है। I have not had the permission to share this, but the Holy Spirit has allowed me to share certain things with the body of Christ. और इसे बताने की अनुमति मुझे नहीं दी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इजाजत दी कि इसके कुछ भाग मैं आपको बताऊं। मैं कभी नहीं बताता, मैंने आपको पहले ही बताया। It's a throne, it's not like a chair. आप देखो ये जो सिंहासन है वो साधारण कुर्सी के समान नहीं, huge. और वो बहुत ही भव्य है। No, when you say the word throne, जब आप सिंहासन ये शब्द देखते हैं, you think it is like, you know, 2-3 steps and, you know, Jesus sitting on some, you know. आपको लगेगा ये सिंहासन मतलब 2-3 उसकी सीढ़ियां होंगे और यीशु वहां पर बैठा होगा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। It's huge. और वो बहुत ही विशाल है। It's huge. बहुत ही विशाल है। And there were steps like this. और इस तरह से सीढ़ियां थी। I can talk about the throne of God. मैं परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बात कर सकता हूँ। And over there, और वहां पर, I was going. मैं बस जा रहा था। And I thought I will see like a man. और मैंने सोचा कि मैं किसी मनुष्य को देख रहा हूँ। You know, the beard. और जिसके पास दाढ़ी है। The, you know, robe, like हम लोग ऐसा है ना? और जिसने अरबी जैसा robe, you know? जिसने लंबे कपड़े पहने। That's what I was taught. और मुझे इसी तरह से सिखाया गया। I came from that background. Hello. मैं ऐसे ही पृष्ठभूमि से आता हूँ। You'll understand me. We came from that background. हम ऐसे पार्श्वभूमि से आए हैं। यीशु मसीह clean shaven है, Father God को दाढ़ी है, और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा कबूतर है। वो बिना दाढ़ी के है, परमेश्वर पिता को दाढ़ी है, पवित्र आत्मा कबूतर है। देखो ये सभी कलाकार की जो है बातें हैं। When I saw in that realm, जब मैंने उस आयाम में देखा, there was like a, it was a place of peace. वो शांति की जगह थी। Silence. शांति। And over there, और वहां पर, was fire. आग। Huge fire. और बहुत ही विशाल आग। It looked like a figure. और but there was no figure. किसी व्यक्ति की परछाई की तरह दिखती थी, लेकिन कोई था नहीं। When I got up, जब मैं जाग उठा, I could not see it. मैं देख नहीं पा रहा था। I could not see it. Being मैं देख honest. नहीं पा रहा था। When I got up. जब मैं उठा, the people who were standing next to me, जो लोग मेरे बगल में खड़े हुए थे, they all fallen down. वो सब नीचे गिर गए। This thing, ये सारी बात है, the spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, is true. परमेश्वर के आत्मा के बारे में ये सारी बातें सच है। Ask God, many of you, जब तुम लोग प्रार्थना करते हैं, you know कैसे प्रार्थना करते हैं? You are in the flesh. Flesh, you know what is flesh? मेरी ने चंगाई। अच्छा, you are in the flesh. आप शरीर में होते हो। Flesh cannot touch God. शरीर परमेश्वर को छू नहीं सकता। But when you are in the spirit, लेकिन जब आप आत्मा में होते हैं, spirit will talk to spirit. और आत्मा ही परमात्मा से बात कर सकता है। Today there's going to be an amazing breakthrough right now. और आज एक बहुत ही हैरान करने वाला जो है छुटकारा आ रहा है। If you have never opened your life, अगर आपने कभी अपना जीवन खुला नहीं किया, you have never said God. और आपने कभी ये नहीं कहा परमेश्वर। कोई कोई लोग, हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोग ना थोड़े बड़े लोग हैं, कुछ पोजीशन है, कोई थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अकड़ के ये करते हैं। लेकिन एक बच्चा ना जब अपनी माँ को देखता है ना, कभी देखा आपको, पूरा फेंक देता अपनी माँ पे। I love that. Do that today. और ऐसा आज करें। You will see the glory of God. और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah.